अब एक चीज़ के बंदे की जरूरत थोड़ी, थोड़ी उसको है उसको ज़्यादा वाली चीज़ें तंग होगा असल फ्रेंड्स वेलकम टू टेंट पी के मैं हूँ आपका दोस्त आपका अपना उसका और आप देख रहे हैं टेंट पी के आज हम मौजूद हैं सभी प्रिंटर्स एंड कंप्यूटर चलाजा सर गोदाम में और बेसिकली आज हम आपके लिए लेके आए प्रिंटर्स की तमाम इन्फॉर्मेशन कम से कम कितने में आपको प्रिंटर मिलेगा और उसकी क्या खसूसियात होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप कितना अच्छा प्रिंटर ले सकते हैं और उसके लिए आपको कितने पैसे चाहिए होंगे हर चीज़ आपको मिलेगी हम इनसे बात शुरू करते हैं और आप तक सारी डिटेल्स पहुँचाते हैं वालेकुम जी वालेकुम सलाम सर आपका गुड नेम समी ख़ान अच्छा खान साहब हमें बताएंगे आपके पास प्रिंटर मिनिमम कितनी प्राइस में अवेलेबल है सात हज़ार पाँच सौ रुपये में अच्छा दिखाएंगे मॉडल उसका और स्पैक्स बताएंगे ये प्रिंटर है सात हज़ार पाँच सौ में इसकी प्राइस है लेज़र जेट टेक्नोलॉजी है और सिर्फ आप इसको कंप्यूटर के साथ यूज़ कर सकते हैं सिर्फ ये प्रंटर इसके ऊपर स्कैनर वगैरह फैसिलिटी नहीं है सिर्फ़ और सिर्फ प्रिंटर है सिर्फ कंप्यूटर प्रेंटिंग आप कर सकते हो ठीक है इसके बाद मॉडल हैं इसके साथ में पड़ा हुआ ये ठीक है ये इसमें इसकी प्राइस ग्यारह हज़ार पाँच सौ रुपये है ठीक है इसमें और इसमें फ़र्क आपको ये मिलता है कि आप इसको मैं इसको सीधा करता हूँ तो थोड़ा उठा के दिखा दीजिए जी जी ये प्रिंटर है ठीक है ये आपको इससे प्राइस इसकी इंक्रीज़ इसलिए मिल रही है इसमें फंक्शन आपको मिलेगा मोबाइल अटैचमेंट का ठीक है आजकल जो दौर है व्हाट्सअप वगैरह पे सारी मतलब डॉक्यूमेंट्स वगैरह हो रहे हैं सेंड ठीक है ना तो वो आप मोबाइल प्रिंटिंग इस पर कर सकते हैं ठीक है उसके बाद हमारे पास प्रिंटर आ जाते हैं फोटो कापियर जिसे हम कहते हैं ठीक है इसके ऊपर शीशा लगा होता है स्कैनर होता है इस पर आप फ़ोटो वगैरह कर सकते हैं तो इसकी प्राइस आपको मिलती है मिनिमम जो है ये मिनिमम प्राइस के अंदर पड़ा हुआ है बारह हज़ार का ठीक है ये आप इसको फोटो कापी वगैरह कर सकते हैं कंप्यूटर प्रिंटिंग भी कर सकते हैं ठीक है इसी तरह इसके साथ में एक मॉडल और आ जाता है जिस तरह ये वाईफाई में है इसी तरह फोटो कापियर वाई में आ जाता है वो आपका मोबाइल प्रिंटिंग प्लस फोटो कापिंग प्लस कंप्यूटर प्रिंटिंग ठीक है वो आपकी प्राइस तकरीबन सोलह हज़ार पाँच सौ कराउंड पर चली जाती है ठीक है उसी तरह हमारे पास मज़ीद फ़ोटो कापियर ये आ जाते हैं ये मॉडल पड़े हुए हैं ठीक है इनके अंदर डिफरेंस आपको ये आ जाता है कि ये इसका जो स्कैनर साइज़ है ना वो ज़्यादा बड़ा होता है यानी कि आप आसान लफ्ज़ों में समझ लें तो स्टाम्प पेपर की फ़ोटो कापी लीगल पेज़ साइज लीगल पेज हाँ लीगल पेज अब अम, अमूमन लोगों को नहीं पता ना लीगल पेज साइज़ तो स्टाम्प पेपर यानी कि इनका शीशा बड़ा होता है थोड़ा सा ठीक है ना तो वो लीगल पेपर साइज़ आप फ़ोटो कापी वगैरह कर सकते हैं इसके अंदर डबल साइड सिंगल साइड कंप्यूटर अटैचमेंट कंप्यूटर अटैचमेंट जो बेसिकली है ना वो हर प्रिंटर कॉपियर स्कैनर में आजकल यानी कि बाई डिफ़ॉल्ट बिल्टें नहीं आ रही है कोई ऐसा सीन नहीं है कोई निकली हुई हो पहले आते थे मॉडल अभी सारों में यानी कि कंप्यूटर अटैचमेंट के साथ ही आपको मिलता है अच्छा आप हमें ना एक और बात करें इनके साथ जो रिफिल की प्राइस है वो भी बताएं जी जी रिफिल ये जितने प्रिंटर हैं इनके छोटे कॉटरेज होते हैं ठीक है दो सौ पचास रुपये में इनकी रिफ़िलिंग हो जाती है ये वाले हो गए मॉडल ये वाले हो ये वाले इसके बाद जो ये लीगल साइज़ की मशीनें हैं ना ये हैवी मशीनें होती है इसमें रिफिल नहीं होती इसमें टोनर की बोतल लगी हुई होती है उसमें आप पाउडर आपको पैकेट मिलता है पाउडर फॉर्म में वो होता है इसमें बोतल होती है उसमें आप सीधा सिंपली डाल लेते हैं उसको बोतल को वापस बीच में लगा लगाते हैं तो वो उसमें उसको फीड कर लेते हैं मशीन ऑटोमेटिकली इसमें आपको रीफिल नहीं करवाना पड़ता यानी कि इकानमिकली आपको बहुत ज़्यादा सस्ती पड़ती है अगर आप बल्क काम करना चाहते हो तो स्कूलों कॉलेजों में काम करना चाहते हो ना तो आपको ये आपको बहुत ज़्यादा इसकी कॉस्ट कम पड़ती है ये शॉप्स के लिए बेसिकली है और ये बस् क्या है उसके आपके सोलह सौ रुपये का इसका वन के जी का पैकेट है जो राउंड अबाउट फोर्टी थाउजेंड चालीस हज़ार का भी कर जाता है बहुत ये तो कॉस्टली हाँ नहीं है इतनी चीज़ बहुत सफिशेंट है हाँ कम बजट में ये बंदा ज़्यादा काम कर सकता है हाँ जी ये है ही हैवी काम के लिए स्कूलों कॉलेजों में काम हो या कमर्शियल लेवल पे काम हो जो छोटी मशीन है जो रीफलिंग वाली है ना जिसमें 250 सौ पचास की आप रीफलिंग करवा रहे हैं उसमें इनसे जारी बात है कॉपी आपको महंगी पड़ती है और वो आप किसी छोटी शॉप पर रख सकते हो ईजी पैसा शॉप पर आई कार्ड वगैरह की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पे आप रख सकते हैं जो हैवी में ये जिनसे ज़्यादा काम वगैरह स्कूलों कॉलेजों के लिए या हैवी कमर्शियल के लिए कमर्शियल के लिए आप कचहरीों में वगैरह यूज़ कर सकते हैं आप चलें तो नेक्स्ट हमारे पास ये कैनन की जो पड़ी है डिवाइस प्रिंटर इसका कुछ पता है कैनन की और ये जो को दूसरी बताइए ली गई दोनों सेम मशीनें हैं लीगल साइज़ की मशीनें हैं ना दोनों दोनों के यानी कि स्टाम्प पेपर वाला फंक्शन है दोनों में और दोनों में ही आपको इंक फिलिंग नहीं करवानी पड़ती दोनों में आपको पैकेट मिलता है इसका पैकेट थोड़ा सा सस्ता है और कॉपी भी थोड़ी निकालता है एक हज़ार रुपये का इसका पैकेट है ये तकरीबन राउंड राउंडबाउ अठारह से बीस हज़ार कापी निकालता है ठीक है ये पाउडर प्रिंटर है हाँ जी ये सारे पाउडर प्रिंटर पाउडर प्रिंटर जितने भी हैं सारे लेजर जेट होते हैं लेजर टेक्नोलॉजी के प्रिंटर हैं ये सारे जी। अच्छा ये अब हमारे पास कैनन के बाद नेक्स्ट कौन सा प्रिंटर है जी ये ये सैमसंग का फोटो कापियर है बिल्ट इन वाईफाई के साथ है ठीक है मोबाइल अटैचमेंट इसमें आ जाती है और इसकी प्राइस ट्वेंटी थाउजेंड है ठीक है इसके बाद जो पहले आपको मैंने बताया कैनन कंपनी का और कोसरा कंपनी का ये चौबीस हज़ार रुपये प्राइस के अंदर है लीगल साइज की मशीन है ठीक है इसके साथ कुसरा की पड़ी हुई है ये अट्ठाईस हज़ार रुपये की भी लीगल साइज़ के अंदर फोटो कापियर है ठीक है तो इसके बाद ये जो छोटा प्रिंटर हमें नज़र आ रहा है इसकी कुछ प्राइस वगैरह छोटा प्रिंटर है ये बारह हज़ार पाँच सौ रुपये का जिस तरह मैंने आपको पहले एक वाईफाई प्रिंटर दिखाया है उसी तरह ये भी एक वाईफाई प्रिंटर है ये सैमसंग कंपनी का है ठीक है इसमें सबसे बड़ा बेनिफिट आपको ये होता है कि आप प्रिंटर को मोबाइल के साथ डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं बीच में कोई राउटर लगाने की जरूरत नहीं होती है ठीक है मैक्सिमम जो प्रिंटर्स हैं उनके बीच में आपको राउटर लगाना पड़ता है यानी कि पी राउटर आप समझ लो इंटरनेट राउटर कोई भी एक राउटर आपको लगाना पड़ेगा तब आप मोबाइल के साथ कनेक्टिविटी उसकी यूज़ करते हैं ठीक है सैमसंग के जो ये वाईफाई प्रिंटर हैं इसकी सबसे बड़ी खासियत यही है कि आपको किसी भी राउटर या डिवाइस की ज़रूरत नहीं है डायरेक्ट मोबाइल और डायरेक्ट प्रिंटर uh, आप ईजीली कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं ठीक है और इसका रिफ़िल का प्रोसीजर इसकी रिफिल प्राइस वही छोटा टोनर है इसका भी ठीक है दो सौ पचास रुपये की इसकी रिफिल हो जाती है ठीक हो गया तो इनकी प्राइजेज आपने हमें बता दी अच्छा ये हमारे पास इसके बाद ये जो नेक्स्ट मशीनस पड़ी हैं इनके भी आप कुछ स्पेक्स वगैरह बताएंगे इनका क्या प्रोसीजर है जी ये भी फोटो कापियर ही हैं इसी तरह जिस तरह पीछे कापियर आपको मैंने बताया सारे मुख्तल कंपनी में आते हैं ये कुनिका मिनोल्टा एक कंपनी है उस का उस कंपनी का कॉपियर है ये लीगल साइज है ठीक है इसमें वही सारे फीचर हैं लीगल साइज यानी कि स्टाम्प पेपर वाला फंक्शन ठीक है ना उस साइज़ में आप फोटो कापी इसमें कर सकते हैं कंप्यूटर अटैचमेंट भी है डुप्लेक्स और लेज़र टेक्नोलॉजी है ठीक है वही सारे सीन है बस कंपनी डिफरेंस है और प्राइस इसकी थोड़ी सी लेटेस्ट मॉडल है खूबसूरत है डायरेक्ट यू वगैरह इसमें फंक्शन डाले हुए हैं उन्होंने तो इसकी प्राइस थर्टी टू थाउजेंड है बत्तीस हज़ार रुपये इसकी प्राइस उनसे ज़्यादा थोड़ी सी ठीक है ये पाउडर प्रिंटर ही है लेज़र प्रिंटर ये पाउडर प्रिंटर या लेज़र जैटी है जितने पाउडर वाले हैं इनके लेज़र जैटी हैं वो सारे ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है ठीक है और इसके बाद ऊपर इसके हमें जो प्रिंटर नज़र आ रहा है ये प्रिंटर वही बड़ा है आपको सबसे पहले मैंने दिखाया सेवेंटी फाइव हंड्रेड में ना ये सिंपली प्रिंटर है टू, टू फिफ्टी की इसकी रिफ़िलिंग है और ये सिंपल कंप्यूटर के साथ ही अटैच होकर ना प्रिंटिंग करता है सिर्फ इनका मॉडल भी आप बताएंगे कौन इक्कीस पेंसेट सैमसंग कंपनी का इक्कीस पेंसेट इसका मॉडल है टू फिफ्टी की इसकी रिफिलिंग है और सिंपली यानी कि सबसे सस्ता प्रिंटर आप कह लें कि अभी यही है लेटेस्ट में जो मतलब कम्पैटिबल है सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ विंडो टेन एट सेवन सारे के साथ यानी कि कम्पैटिबल है ठीक है नेक्स्ट हमारे पास जीरोक्स का ये जो पड़ा है प्रिंटर इसको इसका कुछ बताएंगे आप ये जीरोक्स का फोटो है और प्लस प्रिंटर है प्लस यू है इसके अंदर भी उसी तरह इसका जो शीशा साइज़ है ना यानी कि ऊपर स्कैनर का साइज़ है वो ए साइज़ है यानी कि स्टाम्प पेपर आप इसको कॉपी नहीं कर सकते लेकिन इसके ऊपर एक ट्रे लगी होती है उसे हम ए कहते हैं ठीक है उसके जरिए आप स्टाम्प पेपर की कॉपी भी कर सकते हैं और वैसे जो इसका ग्लास साइज़ है ना प्लेटन इसका फोर साइज़ है बाकी कंप्यूटर अटैचमेंट और फोटो सारा कुछ है इसकी जो रीफिलिंग है इसकी रिफिलिंग 500 की होती है क्योंकि ये पेजेस लाइफ जो है ना इसकी वो उन छोटे प्रिंटरों से ज़्यादा है इसका टोनर बड़ा होता है 500 की इसकी रिफिलिंग है और प्रिंटिंग ज़्यादा पेजेस करता है ये और इसकी प्राइस अपनी क्या है प्राइस इसकी है अठारह हज़ार पाँच सौ रुपये ठीक है तो नेक्स्ट हमारे पास जो प्रिंटर है इसकी आप कुछ प्राइस और स्पेक्स बताएँ जी ये कुरा मीटा कंपनी का प्रिंटर जिस तरह ये साथ मैंने आपको प्रिंटर बताया जरॉक्स का ये उसी तरह प्रिंटर है ठीक है इसके जो पार्ट्स हैं वो यानी कि उनकी लाइफ इनसे ज़्यादा है जिस वजह इस मशीन की प्राइस भी ज़्यादा है और पार्ट्स की लाइफ बहुत ज़्यादा है इनकी ठीक है जैसे हम ड्रम को कंपेयर कर सकते हैं ड्रम इसका बहुत ज़्यादा लाइफ देता है यानी कि आसान लफ्ज़ों में आप कह सकते हो कि लाइफ टाइम ही है लाइफ टाइम बेसिकली नहीं है डैमेज होकर ख़राब तो हो सकता है लेकिन नाम इसको लाइफ टाइम ही दिया गया क्योंकि चलने से ख़राब नहीं होता आप निकाल के डैमेज कर देंगे तो लैहदाबाद है लेकिन चलने से ये ख़त्म होता ही नहीं है चलता ही रहता है और दूसरे नंबर के ऊपर इसके टोनर रीफिलिंग नहीं करवाना पड़ता हालाँकि छोटी मशीन है इसके अंदर कॉटरीज सिस्टम इस तरह का उन्होंने लगाया क्या आप पाउडर सिंपली ले के पैकेट जो आपको मिलेगा वो आप सिंपल इसमें लगा देंगे ऑटोमेटिक आके फीड होता रहेगा और चलता रहेगा आपको रीफिलिंग नहीं करवाना पड़ेगा पैकेट की प्राइस इसकी है सोलह सौ सो रुपये प्रिंटिंग वो आपकी पूरा पैकेट जो है तकरीबन तो चालीस हज़ार प्रिंटिंग आपकी वो कर जाता है इसमें डुप्लेक्स प्रिंटिंग भी है और कंप्यूटर अटैचमेंट है और शीशा साइज़ यानी कि प्लेटिन ग्लास जो है इसका वो एोर साइज़ है ठीक है और इसकी प्राइस इसकी प्राइस है ट्वेंटी टू बाईस हज़ार रुपये ट्वेंटी टू थाउजेंड ठीक है ये सब अभी तक हम जो भी देखे हैं हमने जी. वो सब ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर्स हैं हाँ जी ये सारे ब्लैक एंड वाइट हैं प्रिंटर लेजर जेट ब्लैक एंड वाइट इसमें कलर ए, ब्लैक ए, कलर लेजर जेट जो पड़ा हुआ है ये फर्स्ट नंबर पर पड़ा हुआ है हमारे पास प्रिंटर आ, आपको नज़र आ रहा होगा ये लेज़र जेट है ठीक है ये एच का तेरह पर्व मॉडल है इसकी प्राइस है तेरह हजार रुपये थर्टीन थाउजेंड ये इसकी आप बात हाँ जी इसकी बात कर रहा हूँ ठीक है ये लेज़र जेट टेक्नोलॉजी के साथ है लेकिन कलर टेक्नोलॉजी लेज़र में है ना ये थोड़ी सी महंगी है आपको महंगी पड़ती है प्रिंटिंग कर रही है तो ब्लैक एंड वाइट से आपको तीन गुना आप कह सकते हैं कि महंगी पड़ जाती है क्योंकि इसका जो रिफिलिंग है ना वो राउंड अबाउट बारह सौ रुपये का ठीक है इसमें चार टोनर होते हैं तो वो आपके बारह चौक अड़तालीस चार अड़तालीस सौ रुपये के ना आपको रिफिलिंग इसकी पड़ती है और प्रिंटिंग वो अबाउट करती है बारह सौ से पंद्रह सौ ठीक है ना तो वो आपको कॉस्ट इसकी आपको है लेज़र जेट लेकिन ए, ब्लैक एंड वाइट से आपको इसकी ज़्यादा महंगी पड़ जाती है कॉस्ट सी है उस प्रिंटर की प्राइस क्या है प्रिंटर की प्राइस आपको बारह हज़ार पाँच सौ इसकी ठीक है और इसके साथ ही हमें ये जो लेज़र जेट तेरह बीस नारिट है प्रिंटर, इसकी प्राइस, प्राइस वगैरह ये ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है लेज़र जेट तेरह बीस है इसमें डुप्लेक्स प्रिंटिंग है ये इसीलिए सबसे ज़्यादा हाँ जी मशहूर है इसमें बाय डिफ़ॉल्ट डुप्लेक्स प्रिंटिंग आती है क्योंकि मैक्सिमम मॉडल एच के या सैमसंग वगैरह के ऐसे होते हैं उसमें कुछ में डबल साइडेड प्रिंटर डुप्लेक्स उसे हम कहते हैं डुप्लेक्स आता है कुछ में नहीं आता है ठीक है ना ये बाई डिफ़ॉल्ट प्रिंटर ऐसा तेरह बीस मॉडल है जिसके अंदर बाई डिफ़ॉल्ट डुप्लेक्स है ही है विदाउट डुप्लेक्स ये मॉडल आता ही नहीं है ठीक है तो ये डबल साइड प्रिंटिंग के लिए बहुत बेहतर है कंप्यूटर अटैचमेंट के साथ यानी कि चलेगा मोबाइल प्रिंटिंग वगैरह इसमें नहीं है ठीक है और रीफिलिंग इसकी टू फिफ्टी में रीफलिंग है आप इजीली करवा सकते हैं और लेज़र जेट टेक्नोलॉजी है ब्लैक एंड वाइट प्रिंटर है इसकी प्राइस अभी थोड़ी हो गई है तो फिलहाल इसकी प्राइस नाइन्टी फाइव हंड्रेड है पचानवे सौ रुपये ठीक है उसके बाद जो अपर मोस्ट लेयर पड़ी है आपके पास इसमें भी आप हमें बताएंगे इनके प्रिंटर्स की प्राइसेस कुछ हाँ जी उस साइड से शुरू करना चाहेंगे सैमसंग वाली साइड से ना हमारे पास पड़े है ना सैमसंग फ़ोटो कापियर या प्लस वाईफाई ठीक है इनकी प्राइस वही ट्वेंटी थाउजेंड प्राइस है इसकी और टू फिफ्टी की ही रीफिलिंग है

ठीक है इसके नीचे पड़ा हमारे पास ब्लैक कलर का जो पढ़ा ना ये एच का सोलह मॉडल ठीक है ये स्मॉल साइज के अंदर आप कह लें कि वाइट प्रिंटर ये जो डुप्लेक्स प्रिंटिंग डबल साइड प्रिंटिंग डबल साइड प्रिंटिंग में मैक्सिमम आपको जो साइज़ मिलते हैं ना वो काफ़ी बड़े से हैं साइज़ ठीक है ना अक्सर आपने दफ्तर वगैरह में पढ़ा देखे हैं तो ये स्मॉल साइज़ प्रिंटर के अंदर डुप्लेक्स साइज़ प्रिंटर है डुप्लेक्स में प्रिंटर है ठीक है सोलह मॉडल है और इसकी प्राइस बारह है दो में ही इसकी रीफिलिंग है और डुप्लेक्स प्रिंटिंग कंप्यूटर के साथ ये करता है नेटवर्किंग इसमें होती है नेटवर्किंग पे लगा के आप मोबाइल कनेक्टिविटी भी कर सकते हैं और जितने मर्ज़ी चार पाँच छः जितने भी सिस्टम आप लगाना चाहते हैं सिस्टम के साथ कनेक्टिविटी भी हो जाती है ठीक ठीक है तो नेक्स्ट उसके बाद जो हमारे पास से प्रिंटर्स है एच पी इसके के? बाद एच का हमारे पास पड़ा हुआ है प्रो फोर ठीक है इसमें ये वाले हाँ जी ये सेम प्रिंटर है इसके अंदर ना ऑप्शनल फंक्शन कंपनी ने दिए हैं यानी कि जिसमें एक एल का प्रिंटर आता है उस पर एल लगी होती है ऑप्शनल है वो कि मतलब कंपनी कुछ मॉडल में वो दिया है कुछ में नहीं दिया है उसी तरह डुप्लेक्स जो है डबल साइड प्रिंटिंग डबल साइड भी किसी मतलब मॉडल में दिया है नहीं दिया इसका बेसिकली मॉडल है फ़ोर ज़ीरो वन एम फोर ज़ीरो वन ठीक है इसी में एक मॉडल उन्होंने और दिया है एम फोर जीरो टू इसकी जो सीरीज़ है वो प्रो फोर हंड्रेड है ठीक है प्रो फोर हंड्रेड में आप इसको कह सकते हैं कि डबल साइड वाला प्रिंटर और बग़ैर डबल साइड वाला ठीक है ना इसमें दोनों तीनों किस्म के आते हैं इसकी भी रिफिलिंग दो सौ पचास रुपये की है और ब्लैक एंड वाइट लेज़र जेट प्रिंटर है इसकी प्राइस आपकी चौदह हज़ार रुपये है ठीक है इसके बाद हमारे पास पड़ा हुआ है, है एच पी का बारह पंद्रह मॉडल ये जो काफ़ी कलरफुल सा है हाँ जी कलरफुल था ये आपको नीचे भी मैंने आपको दिखाया ना ये कलर लेज़र जेट प्रिंटर है ठीक है इसकी वही रिफिलिंग कॉस्ट आपको महंगी पड़ती है बनस्बत ब्लैक एंड वाइट से ठीक है ना बेशक इसको आप ब्लैक एंड वाइट पे यूज़ करें या कलर पे भी यूज़ करें तो दोनों साइड पे आपको इसकी कॉस्ट महंगी ही पड़ती है ठीक है और रिफिलिंग इसकी आपकी फोटी एट हंड्रेड की होती है चारों कार्टेज की क्योंकि चार कार्टेज होते हैं तो बारह सौ की एक है तो चार हज़ार आठ सौ रुपये में आपकी चारों की रिफिलिंग होती है जो बारह सौ से पंद्रह सौ प्रिंटिंग करती है ठीक है अच्छा तो ये इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कौन सा प्रिंटर है जी इसके बाद हमारे पास प्रिंटर है कुसरा मीटा कंपनी का प्रिंटर है जिसने आपको मैंने पहले उसके फोटो कापियर भी आपको दिखाए हैं हाँ जी ये वाला ये कुसीला मीटा कंपनी का है ये हाई स्पीड और हाई कैपेसिटी प्रिंटर है ठीक है इनके जो पार्ट्स हैं इनकी बहुत ज़्यादा लाइफ होती है और इसी तरह इसमें टोनर आपको रीफिलिंग नहीं करवाना पड़ता पाउडर पैकेट मिलता है आप वो सिंपली इसमें डाल देते हैं और आगे चलता रहता है ये डबल साइड प्रिंटिंग करता है और कंप्यूटर के साथ और डायरेक्ट यू के साथ प्रिंटिंग कर लेता है ठीक है इसकी प्राइस अठारह हज़ार ठीक है ठीक है अच्छा जी हमने कोसीरा का प्रिंटर देख लिया तो इससे नेक्स्ट जो हमारे पास प्रिंटर्स पड़े हैं इनके आप कुछ बताएंगे हाँ जी नेक्स्ट हमारे पास पड़ा हुआ है एचपी कंपनी का प्रिंटर है तीस पंद्रह इसका मॉडल है ठीक है तो इसमें ये हैवी प्रिंटरों में आ जाता है बारह हज़ार रुपये इसकी प्राइस है और फाइव हंड्रेड इसकी रीफिलिंग कॉस्ट है इसका कॉटेज बड़ा होता है इसमें ज़्यादा सियाई आ जाती है ये छः से आठ हज़ार प्रिंटिंग की कैपेसिटी का प्रिंटर है ठीक है ना तो फाइव हंड्रेड इसकी रिफिलिंग कॉस्ट है और डबल साइड प्रिंटिंग आप कर सकते हैं और सबसे बड़ा फंक्शन आपको इसमें जो मिल रहा है ना डायरेक्ट यू का डायरेक्ट यू आप लगा के पी फाइलें और जे पी जी फाइलें जो है ना आप प्रिंटिंग कर सकते हैं डबल साइड भी और सिंगल साइड भी और कंप्यूटर अटैचमेंट है उसके साथ भी कर सकते हैं डबल ट्रे है आपके साथ इसमें नीचे जो ट्रे है इसके अंदर वो आपको 500 शीट के यानी कि पूरा रिम होता है ना रिम उसे हम कहते हैं पैकेट जो होता है पैकेट के अंदर पेपर होते हैं ठीक है वो पाँच सौ शीटें होती हैं उसके अंदर वो पूरा का पूरा रिम इसमें आ जाता है वो आपको आधे पेपर बाहर और आधे अंदर ही रहने पड़ते हैं नमी की वजह से ठीक है ना वो सारे आपके इसमें अंदर ही आ जाते हैं और वो एक ऊपर आपको ट्रे मिल जाती है वन शीट की यानी कि एक पेपर आप उसमें से भी यूज़ कर सकते हैं ठीक है और बाकी इसकी थर्टी फाइव पी एम यानी कि पैंतीस कापी पर मिनट इसकी स्पीड है और नेक्स्ट इसके ऊपर जो पड़ा है ये कौन सा प्रिंटर इसे हम आसान लफ्जों में कहते हैं खोता प्रिंटर <laughs> ये थोड़ा सा पुराने मॉडल का <laughs> ये पुराने मॉडल का थोड़ा सा प्रिंटर है ठीक है ये लेकिन ना यूनिवर्सल ड्राइवर के साथ तो ये ना विंडो एट टेन वगैरह पे यूज हो जाता है लेकिन वो प्रॉपरली जो है ना वर्किंग नहीं करता किसी टाइम प्रॉब्लम कर भी जाता है एरर दे देता है बेसिक ये यूज़ होता है विंडो एक्स के ऊपर और सेवन बिट टू पर ये यूज़ हो जाता है इसकी प्राइस काफ़ी कम है पाँच हज़ार इसकी प्राइस है ठीक है ये सिंपल प्रिंटिंग करता है और काफ़ी लो स्पीड है स्लो स्पीड के साथ क्योंकि पुराना बहुत ज़्यादा पुराना मॉडल है और 250 में इसकी भी रिफ़िलिंग कॉस्ट है लेज़र जैटी है प्रिंटिंग जो क्वालिटी है ना उसका कोई फ़र्क नहीं हम कह सकते कि इसकी क्वालिटी अच्छी है या इसकी क्वालिटी बुरी है क्वालिटी वही है जैसे नए प्रिंटर आप आजकल के दे रहे हैं ठीक है ना सिर्फ फ़र्क जो आपको मिलता है ना फ़र्क आपको सिर्फ कनेक्टिविटी का मिलता है ये आपका विंडो एक्स पे और विंडो सेवन थर्टी बिट पे ही ईज़िली चलता है उसके बाद यूनिवर्सल ड्राइवर एच ने दिए हैं लेकिन वो ट्रबल ही करते हैं वो एरर दे जाते हैं कनेक्टिविटी में ठीक है और नेक्स्ट हमारे पास जो कैनन के प्रिंटर्स पड़े हैं बिल्कुल लास्ट कॉर्नर पर ये दोनों कैनन का है और दूसरा कोसीरा का तो इन दोनों की आप वन बाई वन हमें प्राइस और स्पेक्स बता दें हाँ जी ऊपर हमारे पास पड़ा हुआ है का प्रिंटर जो आपको पहले मैंने दिखाया ना इसमें भी डायरेक्ट यूएसबी डबल साइड प्रिंटिंग आपको मिलती है ठीक है ए, इसमें रिफिलिंग आपको नहीं करवानी पड़ती है इसमें पाउडर आपका डलता है प, पैकेट से ना इजीली रिफिलिंग कॉस्ट इसकी सस्ती पड़ती है और इसकी अठारह हज़ार प्राइस है और इसके इसका मॉडल कौन सा है कोसरा वाला इसका टू वन डबल जीरो इक्कीस सौ कुसीरा एफ एस इक्कीस सौ मॉडल है इसका डी एन ठीक है और इसके नीचे पड़ा हुआ है कैनन का प्रिंटर है। ये बेसिकली जो कैनन का प्रिंटर है आ, ये प्रिंटर उसके साथ पड़ा हुआ है एच का प्रिंटर तीस पंद्रह बेसिकली दोनों बिल्कुल ही सेम है यानी कि हती कि इतने सेम है कि आप टोनर कॉटेज भी इसका उधर यूज़ कर सकते हैं बस ऊपर मार्का सिर्फ कैनन का लग गया इस पे एचपी का लग गया है लेकिन बेसिकली दोनों प्रिंटर सेम है सेम फीचर है सेम सारा कुछ है डायरेक्ट जू दोनों में है डुप्लेक्स प्रिंटिंग दोनों में है ठीक है ट्रे दोनों की बड़ी है पूरा पूरा रिम आ जाता है पैकेट आ जाता है यानी कि सिर्फ ड्र, ड्राइवर जो है ना वो कैनन डील कर रहा है उसके ड्राइवर्स को और इसके ड्राइवर्स को जो है एच डील कर रहा है ठीक है और बाकी कोई बाकी इंजन जो है मैकेनिकल जो है वो सारा सेम है सेम इसकी रिफिलिंग कॉस्ट है फाइव हंड्रेड रीफिलिंग के साथ छः से आठ हज़ार प्रिंटिंग करती है ठीक है डुप्लेक्स प्रिंटिंग है और सारे फ़ीचर बाकी सेम है इसकी ए, इसकी प्राइस जो है एच से एक हज़ार रुपये यानी कि कम है सिर्फ कैन लगा होने की वजह से तो ग्यारह हज़ार रुपये में इसकी प्राइस है ग्यारह हज़ार रुपये मॉडल कौन सा है ये इसका मॉडल है सिक्स एट एट जीरो अठाठ अस, अस्सी सिक्स डबल एट जीरो इसका मॉडल है आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो आ जाता है और उसका जो एच के अंदर है वो तीस पंद्रह हैं दोनों सेम प्रिंटर्स हैं सिर्फ मॉडल का ये डिफरेंट वो कैन में चला जाएगा और एच में चला जाएगा ठीक है अच्छा भाई आपने सारे प्रिंटर्स की हमें प्राइस और स्पेक्स बताएँ आपकी जनरल रिकमेंडेशन क्या है कि बंदे कौन सा प्रिंटर ले तो वो ज़्यादा सूटेबल रहता है जी मैंने आपको मुख्तलि मॉडल दिखाए हैं कुछ हैवी ड्यूटी हैं कुछ नॉर्मल हैं ठीक है ना तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता कि मतलब जो हैवी ड्यूटी प्रिंटर है सिर्फ वही अच्छा है जो दूसरे हैं वो अच्छे नहीं हैं ठीक है ना अब सबसे पहले काम देखना पड़ता है ना कि अब किसी बंदे ने दफ्तर में यूज़ करना है एनवाइस पे यूज़ करना है उसकी डेली की पचास साठ हैं अगर मिसाल के तौर पे तो वो हैवी प्रिंटर लगा लेगा तो वो उसके पास नहीं चलेगा क्योंकि हैवी प्रिंटर को हैवी वर्क चाहिए वो हैवी काम करेगा तो वो प्रॉपरली चलेगा तो वो रवा रहेगा ठीक है वो पड़ा रहेगा बंद पड़ा रहेगा तो जब आप यूज़ करेंगे तो वो चलेगा ही नहीं उसके रबर के ऊपर मटी पड़ जाएगी मिसाल के तौर पे ठीक है ना जो छोटे प्रिंटर आपको दिखाए हैं मैंने ये हमारे पास पड़ा है मैं छोटा प्रिंटर इसकी मैंने आपको सात हज़ार पाँच सौ प्राइस बताई है ठीक है अब किसी बंदे का थोड़ा काम है तीस चालीस पचास प्रिंट तक अगर रोजाना के हैं तो उनको ये प्रिंटर लेना चाहिए छोटा ठीक है मॉडल भी आप बता देंगे इक्कीस इक्कीस पेंसल इसका मॉडल है इक्कीस पेंसट ठीक है मिनिमम प्राइस के अंदर है और थोड़ा काम के मुताबिक ये प्रिंटर ही होना चाहिए इस तरह अगर हैवी जो प्रिंटर मैंने आपको बताया है ये ऊपर हमारे पास पड़े हुए हैं ये क्यूसरा का और एच पी का तीस पंद्रह है ठीक है अगर हमारे पास मतलब डेली का प्रिंटिंग है पाँच सात सौ आठ सौ प्रिंटिंग आप कह सकते हैं ठीक है ना तो फिर आपके लिए मतलब ये प्रिंटर बेहतर है जो भी यानी कि लेना चाह रहे हैं उसके बाद क्युसरा का हमारे पास जो प्रिंटर है वो मतलब ज़्यादा हैवी प्रिंटर है तो जिनकी ज़्यादा प्रिंटिंग से मुराद यानी कि बुकलेट पूरी पूरी बननी है जिनकी स्कूलों की बुकलेट बननी है कोई पेपर फ़ोटो कापी होनी है या कंप्यूटर से प्रिंटिंग होनी है तो उनके लिए ये प्रिंटर होना चाहिए यानी कि हम ये किसी भी सूरत में नहीं कह सकते है कि हैवी प्रिंटर है तो बस वही अच्छा है तो दूसरे मतलब किसी खाते की नहीं है तो दूसरे इस कंडीशन में जाएंगे जिनका थोड़ा काम है वो हैवी नहीं ले सकते वो हैवी ले लेंगे ले तो वो तब भी तंग होंगे और जिनका ज़्यादा काम है वो थोड़े वाला ले लेंगे तो वो भी तंग होंगे दोनों ही तंग होंगे तो दोनों को यानी कि हम अपने कस्टमर से पहले पूछ लेते हैं कि उनकी कितनी काम है क्या काम है कितनी प्रिंटिंग वो करना चाहते हैं तो उसके मुताबिक हम उसको रिकमेंड करते हैं कि आपको कौन सा प्रिंटर बेहतर रहेगा अच्छा ये तो ब्लैक एंड वाइट में प्रिंटर्स हो गए उसके अलावा कलर में कौन सा प्रिंटर आप रिकमेंड करेंगे एक लेजर जैट है एक इंक जैट है उसमें भी हम दोनों को ये नहीं कह सकते कि इंक जेट अच्छा है या लेज़र जेट अच्छा है तो वो नहीं अच्छा तो ठीक है ना दोनों का अपनी जगह पे वर्किंग है दोनों की ठीक है ना अगर आप फ़ोटो प्रिंटिंग के अंदर काम करना चाह रहे हैं ठीक है ना तो वो आप इंक जेट आपके लिए बेहतर रहेगा ठीक है ना वो इंक जेट ही उसकी क्वालिटी को मेंटेन कर सकता है लेजर जेट नहीं करता ठीक है उसके बाद अगर हमारे पास सर्टिफिकेट वगैरह हम बनाना चाह रहे हैं ठीक है स्कूल के सर्टिफिकेट वगैरह या बुकलेट प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं डबल साइड प्रिंटिंग पूरी पूरी बुकलेट हम कलर में प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं तो फिर वहाँ पर इंक जेट आपका काम नहीं करेगा ठीक है तो आम पेपर के ऊपर प्लेन पेपर की बात करें ना जैसे हम सेवेंटी ग्राम का आम पेपर कागज़ कहते हैं उसके ऊपर इंक जेट की प्रिंटिंग करेंगे तो वो आपका पेपर ही मेल गीला हो जाएगा बिल्कुल क्योंकि वो इंक जेट प्रिंटिंग कर रहा होगा ठीक है लेजर जेट के अंदर आप डुप्लेक्स प्रिंटिंग लगा देंगे उसको डबल शर्ट पूरी बुकलेट लगा लेंगे तो वो लेजर जेट ही उसको सूट करेगा इंक जेट नहीं करेगा इसलिए दोनों में ये फ़र्क है और दोनों को भी काम के मुताबिक पहले पूछेंगे कि कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है वो क्या काम करना चाहता है तो उसके मुताबिक उसको हम रिकमेंड करेंगे वो इंक जेट ले या लेजर जेट लें ठीक है इंक जेट की काफ़ी प्राइस जो है कलर प्रिंटिंग में कम होती है कॉस्ट लेकिन इसका एक ये ड्रॉबैक बताया जाता है कि डेली का आपने एक पेज प्रिंट ज़रूर ही करना है ये सच है या ये ऐसे ही बस एक बात है ये ऐसे है कि इंकजेट जो प्रिंटर है ना आप लो कॉस्ट कहना चाह रहे हैं लो कॉस्ट नहीं है या सस्ता प्रिंटर नहीं है इंकजेट ठीक है ना इंकजेट के जो मॉडल है ना सस्ते प्रिंटर वो डिस्पोजिबल प्रिंटर हैं एच के ना डेस्क के जो मॉडल हैं उसमें छोटे कॉटर यूज़ होते हैं वो रिफिलबल बेसिकली कंपनी ने बनाए ही नहीं है ठीक है ना वो हम ख़ुद उसको किसी तरीके से रिफ़िल वगैरह कर देते हैं तो वो चल भी जाते हैं कुछ का दो चार दफ़ा पांच दफ़ा चल जाते हैं ज़्यादा उसके बाद नहीं भी चलते हैं ठीक है ना तो वो प्रिंटर सस्ते हैं और वो डिस्पोजी उसे आसान लफ्ज़ों में डिस्पोजिबल प्रिंटर ही कहते हैं उसको आप यूज़ करें और फेंक दें बस उसकी इतनी ही लाइफ होती है ठीक है जो असल इंक प्रिंटर है ना जिसे हम हैवी वर्किंग के लिए लगा सकते हैं वो हैं एप्सन कंपनी के उसके साथ में किट लगी हुई होती है ना पाइप लगे होते हैं ऑटोमेटिकली उधर से ऑटोमेटिकली इंक जारी होती है बाकी जो बात है ना कि डेली प्रिंटिंग वाला वो ये है कि उसके हेड के आगे इंक होती है वो ब्लॉक हो जाती है लेकिन जो एप्सन कंपनी का प्रिंटर है ना उसके अंदर उन्होंने मेंटेनेंस ऑप्शन बाय डिफ़ॉल्ट उसमें सॉफ्टवेयर में दे दिया उन्होंने ठीक है ना तो उसके आगे उन्होंने पंप लगा दिया जिस टाइम आप मेंटेनेंस क्लीनिंग के लिए ठीक है ना अगर आप एक दिन या दो दिन यूज़ नहीं करते तो आप उसको मेंटेनेंस टैब में जाकर ना क्लीनिंग पे लगाएंगे तो वो क्लीन हो जाएगा प्रिंटर आगे से तो उसकी वेस्ट जो इंक आगे जमी हुई होगी वो निकल जाएगी लेकिन कंडीशन ऐसी हो जाती है अगर आप तीन चार दिन पाँच दिन ज़्यादा दिन अगर आप यूज़ नहीं करेंगे तो इंक ऐसी कंडीशन में आगे हट के जम जाएगी ना तो वो पंप भी वर्किंग नहीं करेंगे वहाँ पर ज़ाहिर है पंप ने सक करना है सिंपली वो सक करेंगे तो वो आगे इंक बिल्कुल ही जम जाएगी तो वो आगे निकलेगी नहीं इसलिए पहले कस्टमर को रिकमेंड करते हैं कि भाई आप डेली प्रिंटिंग करें या इसको क्लीन करवाएँ ठीक है तो ऐसी सूरत में फिर क्या ऑप्शन रह जाता है ऐसी सूरत में फिर यही हाल है कि फिर वो हमारे पास यानी कि लाना पड़ेगा उनको रिपेयरिंग के लिए हम उसको सिंपली हेड को ही खोलेंगे हेड को खोल के फिर हमारे पास दूसरे हैवी पंप लगे होते हैं हमारे पास मैन्युअली यानी कि फिर हम वो लगा के तो उसका आगे से मतलब प्रोसीजर वही है आगे से इंक जाम हो जाती है वो शक्क करवानी है वो निकल जाएगी पीछे से फिर फ्लैश मतलब वो कर लेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा प्रिंटर उसका कोई खास अगर ज़्यादा देर पड़ा रहेगा बहुत ज़्यादा देर पड़ा रहेगा ना तो हेड के अंदर उसकी इंक बिल्कुल ही जाम हो जाएगी तो वो हैवी पंपों से भी नहीं निकलती ठीक है ना और हेड रिपेरेबल है ही नहीं कंपनी ने हेड रिप्लेसमेंट बनाया ए, रिपेरेबल नहीं बनाया तो वो हेड खुलता नहीं है उसको जितना मर्ज़ी आप वाश कर लेंगे वो क्लियर नहीं होगा फिर वो हेड नया डालना पड़ता है और हेड की जो कीमत है ना वो आप समझ लेंगे प्रिंटर की ही कीमत है क्योंकि वो दो चार हज़ार रुपये सिर्फ सस्ता ना आपको हेड मिलता है नया वैसे यूज़ में कोई सस्ते मिल जाएँ यूज़ शुदा यानी कि वो प्रॉपरली आपको क्वालिटी मेनटेन नहीं करेंगे गुजारे के लिए आप लगाना चाहते हैं तो वो सस्ते आपको मिलेंगे यानी कि उसका बेहतर हल यही है कि आप उसकी डेली प्रिंटिंग करें और उसको यूज़ करें और हेड क्लीन उसको करवाएं अगर दो तीन दिन बंद रखते हैं उसको ठीक है कलर प्रिंटर के लिए आप आपकी रिकमेंडेशन क्या है कौन सा प्रिंटर आप रिकमेंड करेंगे उसका मॉडल और उसकी प्राइस कलर प्रिंटर में आपको मैंने बताया ना पहले तो हम काम भी पूछेंगे ना क्या, किस क्या काम कैस किस कैटेगरी काम एवरेज अच्छा आप इस तरह से रिकमेंड कर दें कि घर के लिए एक बंदा यूज़ करना चाहता है तो वो कौन सा प्रिंटर यूज़ करे कौन सा प्रिंटर लेके जाए कलर प्रिंटिंग के लिए कलर प्रिंटिंग के लिए अगर तो बजट आपका थोड़ा है ना तो आप डिस्पोजेबल प्रिंटर लगा लें अगर आपकी प्रिंटिंग भी थोड़ी है ठीक है ना क्योंकि डिस्पोजेबल प्रिंटर आपके पचास से सौ प्रिंट आप कह लें बस करता है ठीक है ना उसके बाद वो डैमेज है ठीक है अगर इतना काम है तो आप वो वाला ले लें अदरवाइज़ आप लेज़र जेट ही लें घर के लिए क्योंकि घर में आपने एक दफ़ा यूज़ करना है उसके बाद पता नहीं हफ्ता पड़े रहना हफ्ते के बाद आपने फिर एक प्रिंट करना है फिर आपने करना है ठीक है ना तो वो लेज़र जेट ही होना चाहिए ताकि वो पड़ा भी रहे तो वो खुशक ना हो और आपको मेंटेनेंस क्लीनिंग भी ना करनी पड़े कुछ भी ना करने पड़े जब आपकी प्रिंटिंग आप करें तो प्रिंटिंग हो जाए ठीक है इंजेट अगर लगाना चाह रहे हैं तो फिर आपको थोड़ा सा उसके साथ टेक्निकल होना पड़ेगा डेली नहीं भी यूज़ कर रहे हैं आपका काम नहीं भी है तब भी आप एक आधा उसका प्रिंट निकाल लें या उसको क्लीन पर लगा लें मतलब उसको क्लियर रखें डेली पे वरना वो आपका घर में यानी कि आप यूज़ करेंगे आप महंगा प्रिंटर भी अगर लेते हैं क्योंकि इसका जो मिनिमम डब्बा पैक जो प्रिंटर आता है ना एप्सन का पच्चीस हज़ार रुपये का तो वो आप ले जाते हैं पहले दिन आप यूज़ करते हैं उसके बाद दो हफ्ते पड़ा रहता है उसके बाद आप यूज़ करेंगे तो आप कहेंगे हमारा तो प्रिंटर मतलब डेड हो गया उसी टाइम फिर आप टेक्निकल फिर रिपेयरिंग के लिए भागेंगे इसलिए अगर आप तो इस कैटेगरी का काम है और घर में यूज़ करना है ठीक है ना तो आप लेज़र जैट प्रिंटर होना चाहिए जिसको आप यानी कि जब मर्ज़ी यूज़ कर सकते हैं वक्फ़े के बाद भी यूज़ कर सकते हैं इसीलिए ठीक है लेज़र जैट में कौन सा मॉडल है और उसकी प्राइस लेज़र जैट में मुख्त मॉडल आते हैं प्राइस आप आपकी जनरल रिकमेंडेशन आपने कोई एक रिकमेंड करना है ना जो बेहतर है दूसरों से हाँ जी मेरे पास जो पड़ा है ना अभी अवेलेबल मुख्तलिफ़ मॉडल आते रहते हैं अभी मेरे पास पड़ा हुआ है बारह पंद्रह मॉडल पड़ा हुआ है ठीक है वो एच पी का लेजर जेट प्रिंटर है ठीक है बेसिकली जो रिफिलिंग कॉस्ट और जो प्रिंटिंग क्वालिटी है ना वो सभी की सेम है तो इसलिए मुख्तलिफ़ मॉडल आते रहते हैं बारह है, पंद्रह हो गया बीस पच्चीस हो गया ठीक है ना इनमें से कोई भी आप मॉडल सिम्पली ले कर लगा सकते हैं तो सब की रीफिलिंग वगैरह सेम ही है टेक्नोलॉजी और प्रिंटिंग सेम है सारों की अच्छा अगर कोई घर से हट के स्कूल वगैरह के लिए लेना चाह रहे तो उसके लिए आप क्या रिकमेंड करेंगे कलर प्रिंटिंग में अच्छा स्कूल का जो सीन है ना स्कूल का डिफरेंट सीन है कि वो अब किसी स्कूलों में होता है कि वो कंप्लीट प्रिंटिंग उसी प्रिंटर पे करना चाह रहे होते हैं ठीक है और कुछ स्कूलों में होता कि सिर्फ में है कि वो सिर्फ़ ऑफिस में लगाते हैं दो चार प्रिंटिंग किसी टाइम के लिए ठीक है ना तो अब वो उनसे पहले पूछेंगे हम गहरी बात स्कूल वालों से कि भई आप किस लिए लगाना चाह रहे हैं अगर तो वो थोड़ी प्रिंटिंग में ऑफिस में रखना चाह रहे हैं किसी टाइम पर एक दो लेटर पैड निकालने हैं ठीक है ना तो वो लेजर जेट लगाएं तो बेहतर है ठीक है ना उसके बाद अगर वो बुकलेट प्रिंटिंग करना चाह रहे हैं तो फिर लेजर जेट के वो डुप्लेक्स प्रिंटिंग जो मॉडल है ना वो वो मतलब उनको हम रिकमेंड करेंगे उसके अलावा कुछ स्कूलों का जो ज़रूरत होती है ना वो ये है कि वो कार्ड प्रिंटिंग करते हैं सारे मतलब स्टूडेंट्स के कार्ड प्रिंटिंग करेंगे पिक्चर्स प्रिंटिंग करेंगे ठीक है ना जो इस कैटेगरी का काम है ये फिर आपका इंक जेट होगा और दूसरे नंबर पे आपको इसको वही बात के आपको रोजाना चलाना पड़ेगा नहीं तो उसको क्लीन कराना पड़ेगा क्योंकि पिक्चर प्रिंटिंग जो क्वालिटी है ना वो आपकी इंक जेट ही मेंटेन करता है और बेहतर देता है बन लेज़र जेट के इंगजेट का कौन सा मॉडल और उसकी प्राइस इंक जेट के मुख्तलिफ़ मॉडल हैं अभी जो मार्केट में मिनिमम प्राइस का प्रिंटर आया हुआ है ना वो एल इकती दस मॉडल है एप्सन का ना वो आया हुआ मिनिमम प्राइस है इसलिए वो ज़्यादा सेल हो रहा है ठीक है पच्चीस हज़ार रुपये उसकी प्राइस है एल इकतीस दस मॉडल है वो ठीक है ना वरना इसके अलावा मुख्त मॉडल है इसमें इकतीस पचास एक मॉडल है उसके अंदर वाई फाई बिल्टन है और इकतीस दस में वाई फाई नहीं है दोनों में सिर्फ ये फ़र्क है तो वो इसकी प्राइस तकरीबन नौ से दस हज़ार रुपये ज़्यादा है बकाया सेम वर्किंग है तो वाई फाई की वजह से कोई लेना चाहता है तो हमें खेतरा देने कि उसकी प्राइस नौ से दस हज़ार रुपये इनक्रीज़ है उससे मिनिमम प्राइस आपकी पच्चीस हज़ार रुपये डब्बा पैक इकतीस दस मॉडल है और वही बेहतर है ठीक है और स्कैनर का ऑप्शन भी है इकतीस दस में या नहीं है हाँ जी स्कैनर का ऑप्शन है फ़ोटो कापिंग भी आप कर सकते हो और कंप्यूटर प्रिंटिंग भी कर सकते हो इसी तरह इकतीस पचास मॉडल है आगे उसमें भी इसी तरह फोटो कापी भी है स्कैनर भी है प्रिंटिंग भी है और वाई प्लस आ जाता है उसके अंदर ठीक है और जो लोग इस वक्त नया प्रिंटर लेने के लिए आ रहे हैं शॉप्स की तरफ तो एज अ शॉपकीपर या एज अ ब्रदर आपका उनके लिए कोई अच्छा सा मशवरा मैंने आपको बताया कि मैं सबसे पहले तो उनसे पूछेंगे ही ना कि उनकी क्या जरूरत है वो कितने काम के लिए क्या लेना चाह रहे हैं फिर उनको उसके मुताबिक उनको गाइड करेंगे कि आपके लिए क्या चीज़ बेहतर है अब एक चीज़ के बंदे की ज़रूरत थोड़ी है उसको ज़्यादा वाली चीज़ देंगे वो तंग होगा तो इसलिए हम उसको पूछ के तो फिर उसके मुताबिक उसको गाइड करेंगे कि आपके लिए ये चीज़ बेहतर है फिर बाकी उसने खुद अपना सोचना है कि क्या आप हमें लेना चाहिए चले उम्मीद है ऑडियंस आप तक सारी चीज़ें पहुंच चुकी होंगी ऑडियंस आपने अगर ये प्रिंटर्स में से कोई मंगवाना है तो इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको इस वक्त स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा आप इनसे मंगवा सकते हैं अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें कमेंट करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें देखते रहें टेंट पी के अल्लाह हाफिज़